हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज महक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है मैलस लो। अब हम मैलस लो पढ़ेंगे कि ये मैलस लो क्या होता है। तो देखिए, मैलस लो जो है वो 1809 में सर एटिने लुइस मैलस ने एक लो प्रपोज किया और उस लो के अकॉर्डिंग उन्होंने इंटेंसिटी का वेरिएशन बताया कि जब कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से पास होने के बाद, यानी कि पोलराइजर से जो लाइट निकली है वो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से निकलने के बाद एनालाइजर पर स्ट्राइक करती है, तो उस टाइम जो फाइनल हमें रे मिलती है उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, किस तरीके से वो वेरी करती है, सर मैलस ने हमें यही इस लॉ में बताया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बात हुई कि जब भी कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो कि पोलराइजर से निकलकर आई है, जब वो एनालाइजर के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो तब जो ट्रांसमिटेड लाइट हमें मिलती है उसकी इंटेंसिटी कोस स्क्वायर के इक्वल, स्क्वायर ऑफ कोस ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर के इक्वल होती है। यानी कि जो कोस स्क्वायर, यानी कि जो इंटेंसिटी हमें फाइनल मिल रही है वो इंटेंसिटी कोस स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमें इस एंगल, इस लॉ ने बताया। और जहां पर ये एंगल जो है, ये एंगल है एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो एंगल है उसके कोस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो हमारी फाइनल इंटेंसिटी होती है। और ये जो लॉ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है, क्योंकि इस लॉ के बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। और जहाँ पर आपको पोलराइजर एंड एनालाइजर की कुछ पोजिशंस बता दी जाएंगी और वहाँ से आपको पूछा जाएगा कि इंटेंसिटी जो हमें मिल रही है वो फाइनल इंटेंसिटी जो है वो कितनी मिल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। और ये क्या स्टेट करता है, तो स्टेटमेंट इसके एक बार लिख लेते हैं। सो ये लॉ स्टेट करता है दैट इट स्टेट्स दैट व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम पोलराइजर स्ट्राइक्स ऑन एन एनालाइजर देन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। ये पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो एंगल होता है, दोनों के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसके कोसाइन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। सो प्रूव करते हैं इसको कि किस तरीके से ये होती है। और इसका मैथमेटिकल जो, अगर आप रिलेशन देखेंगे तो मैथमेटिकल रिलेशन ये है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। सो लेट अस ड्राइव द एक्सप्रेशन कि किस तरीके से ये एक्सप्रेशन जो है डेराइव होता है। सो लेट अस से कि ये कोई एक पोलराइजर रखा है जिसमें से आपको जो लाइट मिल रही है, ट्रांसमिटेड जो लाइट है जो पोलराइजर से निकल रही है वो प्लेन पोलराइज लाइट हो रही है और उसकी डायरेक्शन ये है, यानी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की डायरेक्शन ये है। और उसके बाद उसके जस्ट आफ्टर जो दूसरा पोलराइजर रखा है जिसको हम एनालाइजर कहते हैं, उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। यानी कैसे, अगर प्रैक्टिकली समझें तो लेट अस से कि बीम के जो रास्ते में फर्स्ट पोलराइजर रखा है वो कुछ ऐसे रखा है, इसको हम पोलराइजर कह रहे हैं। और जैसे ही लाइट ने इसको क्रॉस किया, यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट आपको निकलती हुई दिख रही है, उसके बाद दूसरे उसी लाइट के, प्लेन पोलराइज लाइट के रास्ते में हमने दूसरा पोलराइजर रख दिया जिसको हम एनालाइजर कहते हैं और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है। और जब उसको आप सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट जो पोलराइजर है उसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड जो एनालाइजर है उसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो हमने यहाँ शो किया हुआ है जो कि थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जब आपके पोलराइजर से लाइट ने क्रॉस करना शुरू किया, जो प्लेन पोलराइज लाइट जो है आपको मिल रही है, लेट अस से कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए है, एम्पलीट्यूड ए है। और इनिशियली यहां पर लिख देते हैं कि इनिशियली एम्पलीट्यूड इज ए, एम्पलीट्यूड इज ए, क्योंकि एनालाइजर पर जो लाइट स्ट्राइक करेगी वो तो यही एम्पलीट्यूड वाली लाइट स्ट्राइक करेगी। और अगर उस लाइट का एम्पलीट्यूड ए है तो इंटेंसिटी हमें बताते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी, तो इनिशियल इंटेंसिटी शुड बी इक्वल टू, इंटेंसिटी शुड बी
be equals to k a square. जहाँ पर k जो है मैंने कोई भी proportionality constant डाल दिया और k a square जो हो गई आपकी initial intensity हो गई जो कि आपको polarizer से निकलने वाली light की intensity दिख रही है वो k a square intensity की light आपको निकलते हुए दिख रही है ठीक है उसके बाद जैसे ही ये light ने analyzer के ऊपर strike किया तो यहाँ पर देखिए अब polarizer इस position पर रखा है और analyzer इस position पर रखा है दोनों के बीच में कुछ angle है अगर ये दोनों के बीच में कुछ एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ वाली लाइट एनालाइजर के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो उसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे जो कि एक जो कंपोनेंट होगा वो एनालाइजर की पोजीशन में ही होगा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा सो लेट अस रिजॉल्व दिस वेक्टर तो जब हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया तो देखा कि जो एनालाइजर है एनालाइजर के ऊपर जो आपको जो कंपोनेंट मिल रहा है वो है a cos थीटा का कंपोनेंट जो एम्पलीट्यूड का a cos थीटा का कंपोनेंट एनालाइजर की डायरेक्शन में अलाइन है और दूसरा जो कंपोनेंट है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होगा जो कि मैंने लिख दिया a sin थीटा अब दो कंपोनेंट हो गए जो एनालाइजर के पास आ रहे हैं एक एनालाइजर के डायरेक्शन में जो a cos थीटा है दूसरा एनालाइजर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो a sin थीटा है और हमने सबसे पहले यही बात की जब हम पोलराइजर्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमने ये बात कही थी कि पोलराइजर हो या एनालाइजर वो उसी लाइट को अपने अंदर से पास करने के लिए अलो करता है जो उसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल होती है अदरवाइज वो उस लाइट को ब्लॉक कर देता और अपने अंदर से निकलने नहीं देता तो यहाँ पर देखिए जो एनालाइजर की डायरेक्शन के पैरेलल जो आपको एम्पलीट्यूड का कॉम्पोनेंट मिल रहा है वो है a cos थीटा और a sin थीटा जो कंपोनेंट है वो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनालाइजर तो ये यहाँ से क्लियर है हमें कि जो एनालाइजर से बाहर निकलने वाली जो लाइट होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा a cos थीटा क्योंकि a sin थीटा लाइट को तो वो ब्लॉक कर देगा तो फाइनल एम्पलीट्यूड जो हमारे पास होगा फाइनल एम्पलीट्यूड शुड बी जो हमें ट्रांसमिटेड लाइट का मिल रहा है फाइनल एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल्स टू a cos थीटा और थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर अब अगर ये एम्पलीट्यूड है जो हमें दिखाई दे रहा है इस एम्पलीट्यूड की लाइट हमें दिखाई दे रही है तो इंटेंसिटी लेट अस फाइंड आउट द इंटेंसिटी तो फाइनल इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो फाइनल इंटेंसिटी जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमें पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड अब जो फाइनल इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फाइनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की जो कि क्या है a cos थीटा का होल स्क्वायर और लेट अस से कि जो फाइनल इंटेंसिटी है उसको मैं i से डिनोट कर रही हूं प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के बाद यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा और वो होगा i इज इक्वल्स टू k a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जब हमने k a स्क्वायर cos जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी और साइन को हटाया तो वहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया जो हम लिख दिया k और उसके बाद k a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा शुड बी द फाइनल इंटेंसिटी और हमने अभी इससे पहले बात की जो ये k a स्क्वायर है ये तो इनिशियल इंटेंसिटी थी जो हमें पोलराइजर से निकलती हुई दिख रही थी और हमने इस इनिशियल इंटेंसिटी का नाम लेट अस से i नोट दे दिया ठीक है तो i जो होगा फाइनल इंटेंसिटी के बीच में और इनिशियल इंटेंसिटी के बीच का जो रिलेशन होगा वो होगा i इज इक्वल्स टू i नोट इनटू cos स्क्वायर थीटा i नोट इनटू cos स्क्वायर थीटा अब ये बात ध्यान रखिए जो i नोट जो इंटेंसिटी पोलराइजर से निकलती हुई आपको दिख रही है ये वेरिड इंटेंसिटी नहीं होगी ये कांस्टेंट इंटेंसिटी होगी एक बार पोलराइजर से जितनी इंटेंसिटी की बीम निकल गई वो निकल गई उसके बाद उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा जब तक वो एनालाइजर के पास नहीं पहुंचाती तो ये आई नोट जो है वो एक कांस्टेंट का काम कर रही है और अगर ये कांस्टेंट का काम कर रही है तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो वहां पर i नोट हो जाएगा जो कि इंटेंसिटी है जो कि पोलराइजर से निकलती हुई बीम की इंटेंसिटी है तो इस तरीके से हमने मैलस लॉ को प्रूव कर दिया कि किस तरीके से जो इंटेंसिटी है आफ्टर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम द एनालाइजर जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर तो ये वाला जो आपको रिलेशन दिख रहा है
है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.